हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वर्ड की क्लास में हम जानने वाले हैं सेंटेंस केस के बारे में। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को पढ़ना है तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले क्लासेस आपसे कभी मिस ना हो। इस चैनल के ऊपर आपके लिए डेली क्लासेस आते हैं, आप उसका पूरा यहाँ पे लाभ उठा सकते हो। चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने, यहाँ पे आप इस हेडिंग को देख सकते हो। ये हेडिंग में यहाँ पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि सारा जो इसमें लेटर्स जो लिखे हुए हैं वो सारा का सारा कैपिटल हो जाए। या फिर मैं बात करता हूँ इस लाइन की, यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, ये दोनों ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए मेरे। मैं इसके अंदर यहाँ देखिए आपको जो पहला लेटर है वो आपको कैपिटल दिख रहा होगा, बाकी सारे स्मॉल है। मैं चाहता हूँ ये सारा कैपिटल में हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे या तो पूरा इरेज करेंगे और फिर से हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। फिर से हम कैपिटल कैप्स लॉक ओपन करेंगे, एल ओ आर ई एफ, नहीं ये बहुत बोरिंग है, हम इतना नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड को पहले प्रेस करेंगे, हम इतना तो करने वाले हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस केस का यूज करेंगे। तो सेंटेंस केस हमें कहाँ मिलता है, ये देखिए आपको ये बटन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे चेंज केस के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे डाउन एरो के ऊपर, यहाँ पे पहला मुझे सेंटेंस केस दिख रहा है। सेंटेंस केस किसे कहते हैं, जिस केस में लिखना हम इंग्लिश को लिखते हैं, मतलब कि पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद फिर सारा स्मॉल, अगर फुल स्टॉप आ गया उसके बाद फिर उसके बाद जो लेटर स्टार्ट होंगे वो कैपिटल होंगे, इसे हम लोग सेंटेंस केस कहते हैं, जो कि ग्रामर में इंग्लिश लिखते वक्त फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं तो विचार रहता है कि सारा का सारा जो लेटर्स है वो कैपिटल में हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपर केस के ऊपर क्लिक करूंगा। और अभी आप देख सकते हो जो सारा लेटर्स था वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। साथ ही मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, यहाँ पे आपको लोअर केस का भी एक ऑप्शन मिलता है, हमारा सारा टेक्स्ट इस वक्त लोअर केस में आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देखने को मिलता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका क्या काम होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ, इस वक्त यहाँ पे जो भी हमारे वर्ड का जो पहला लेटर है वो हो गया है कैपिटल, जैसे यहाँ पे एल आई डी एस ए और साथ में सी ए, बहुत सारे जो कैपिटल हो गए हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस केस का यूज यहाँ पे कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे टॉगल केस का भी यूज कर सकते हो। टॉगल केस का क्या काम होता है मैं आपको वो बता देता हूँ, हमारे वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसे स्मॉल कर दिया जाएगा, बाकी को कैपिटल रहने दिया जाएगा। तो इस तरह से हम टॉगल केस का भी यूज करते हैं। ये वर्ड ने न्यू ऐड किया 2016 के अंदर। इस वक्त मैं इसे वापस सेंटेंस केस के ऊपर रख देता हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी चेंजेस ना आए। तो मैं ऐसा करता हूँ, अच्छा क्लास आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक ले हमारा नाइस डे, थैंक यू।